तेरी आवाज सुनते ना जल्दी तो जल्दी रामलीला स्टेज पे पहुंचो। जिन्ना दी आपा कई देर तो वेट कर रहा सा अपने विच पहुंच चुके ने बैनीवाल जी। भगवान श्री राम इन्हां दी हर मनोकामना पूरी करे। एक जकारा लाओ बोल सियावती राम चंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, नगर चढ़ दिया कलां च रखे। बोल सियावती राम चंद्र की। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों का और जो मेरी मातृ शक्ति यहाँ पहुंची है इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और श्री रामा ड्रामेटिक क्लब गिदना वाली इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भाई कश्मीर जी कंबोज का भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी गांव वालों के हिसाब से इन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया और आज इस पावन अवसर पर मेरे को पहुंचने का मौका दिया। तो मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और भाई राम कुमार जी कंबोज प्रधान क्लब कमेटी के और श्रीमती महेंद्र कौर जी सरपंच इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जो भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी यहाँ पहुंचे हैं और मेरी मातृ शक्ति भी काफी संख्या में यहाँ पहुंची है, मैं सभी जो ग्रामवासियों ने इतना प्यार और सम्मान मुझे दिया, मैं क्योंकि इतना खुशी का माहौल आज मेरे को यहाँ आने पे मिला तो सच में बहुत खुशी है मेरे को और मैं सभी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप यहाँ रामलीला देखने के लिए यहाँ पहुंचे हो, मैं इन आपको एक बात कहना चाहूंगी कि पुरुषोत्तम रामचंद्र जी उनके नक्श से कदम थे उन पे चलने का प्रयास करें क्योंकि उनके अंदर जो भावनाएं थी माता पिता के लिए मान और सम्मान था और बुजुर्गों के लिए अपने गुरुओं के लिए जो सम्मान था आज के दिन वो सम्मान हम अपने माता पिता और गुरुजनों को दें तो बहुत ही उन माता पिता और गुरुजनों के लिए सौभाग्य की बात होगी और उन्हें गर्व महसूस होगा कि हमारी जो संतान है वो इस काबिल हमें समझती है। क्योंकि आज सभी देखते हैं कि जगह जगह जैसे भी बुजुर्ग हमारे माता पिता वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। तो मैं जो भी यहाँ पहुंचे हैं और आज की जो युवा नौजवान पीढ़ी है मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि एक रामलीला देखने से कुछ नहीं होता, आप जो राम पुरुषोत्तम राम थे उनके नक्शे कदम पे भी चलने का ध्यान रखें और अहंकार को छोड़ के क्योंकि अहंकार की हार होती है। आपने ये रामलीला के एक एक लफ्ज देखना और सुनना इसमें कि अहंकार अहंकार रावण में था, राम में अहंकार नहीं था तो राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। आपने देखा ही होगा कि आज के दिन जो नारी शक्ति है भगवान राम ने जो नारी शक्ति का मान और सम्मान चाहे उसमें माता पिता की हो चाहे नारी का सम्मान हो तो मैं जो भी यहाँ भाई पहुंचे हैं
मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज हम जगह जगह देख रहे हैं कि नारी का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो आज के युग में नारी का सम्मान नहीं है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि नारी का सम्मान करोगे तो ही हम जो लक्ष्य चाहेंगे उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह आज नारियों के साथ क्या हो रहा है, तो जो भी यहाँ पहुंचे हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा है वो नारी सम्मान। बहन बेटी हमारे जो देश का गौरव है, और हमारे कहते हैं ना पगड़ी आन बान शान सब कुछ है, तो हमें सबसे बड़ा नारी का सम्मान करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और जो आपका रामलीला का कीमती समय आपने दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद।